डियर बच्चों, अब इस सेशन में हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर्स सीखेंगे, ठीक है? तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स, पहले के दो सेशन में हमने क्या, पहले सेशन में हमने वेक्टर्स क्या है ये देखा था, वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर को कैसे का नोटेशन कैसे डालेंगे, ये था। दूसरे क्लास में, दूसरे सेशन में हम लोगों ने वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन स्केलर के साथ कैसे होगा और उससे मल्टीप्लिकेशन से वेक्टर मिलेगा या स्केलर मिलेगा, तो ये हमने डिस्कस किया, वेक्टर मिलता था। फिर हमने यूनिट वेक्टर्स डिस्कस किया था। तो ये थर्ड सेशन में अब कंटिन्यूएशन में एडिशन ऑफ वेक्टर्स, कि हम वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं। अब देखो, इसके लिए अगर देखें तो हमारे पास तीन तरीके हैं वेक्टर्स को ऐड करने के। तो पहला तरीका क्या है, थ्री मेथड्स ऑफ वेक्टर एडिशन। पहला तरीका है ट्रायंगल लॉ। इसको ड्राइंग मेथड भी कह देते हैं, ड्राइंग मेथड। दूसरा तरीका पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है? और तीसरा तरीका जो है वो कंपोनेंट मेथड। तो इन तीनों तरीकों को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो पहले लेते हैं ट्रायंगल लॉ। क्या कहता है, अगर दो वेक्टर हमें ऐड करने हैं, सपोज इनको ड्रॉ किया जाए, दो वेक्टर हम लोगों को ऐड करने हैं, एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है हमारे पास बी, इन दोनों को ऐड करना हम लोग चाहते हैं, तो हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोगों को लॉ क्या कहता है कि आप किसी वेक्टर को ड्रॉ कर लो, चाहे ए को ड्रॉ कर लो या बी को ड्रॉ कर लो, एक वेक्टर को ड्रॉ कर लो, उसके हेड पे दूसरे का टेल रख के दूसरे को ड्रॉ करो। अब दूसरे का टेल रख के जब दूसरे को ड्रॉ किया तो ये ड्रॉ हो गया बी वेक्टर का। अब देखो, कोई भी वेक्टर कैसे करेक्टराइज होता है, इट्स मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन। एज लॉन्ग एज इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर सेम, दैट वेक्टर रिमेन्स सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स ड्राइंग ऑन एनी पार्ट ऑफ द बोर्ड और पेपर। जैसे बी को मैं यहाँ ड्रॉ करूँ या इसी को उठा के मैं यहाँ ड्रॉ कर दूँ, अगर उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड मैंने सेम रखा है तो ये वेक्टर बी होगा। क्लियर है? तो रूल क्या कह रहा है, पहले एक वेक्टर को ड्रॉ कर लिया जाए, उसके हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल रख के दूसरे को ड्रॉ कर लिया जाए, ठीक है? अब इन दोनों को ऐड करना है। पहली बात तो ये, अगर दो वेक्टर को ऐड करना है बच्चों, तो ऐड करके हम लोग को एक तीसरा वेक्टर आना चाहिए। तो वो तीसरा वेक्टर अगर हमने ड्रॉ कर लिया, फिर हम उसका मैग्नीट्यूड बता देंगे, फिर हम उसका डायरेक्शन बता देंगे, तो मेरे को ये ऐड करके जो आना चाहिए वेक्टर, जिसको हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं ना, ध्यान रखना, रिजल्टेंट वेक्टर मतलब दोनों को ऐड करके जो वेक्टर आ रहा है उसका नाम दे देते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर हम इसका मैग्नीट्यूड देख लेंगे और इसका डायरेक्शन देख लेंगे। तो अब कैसे रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, तो रूल क्या कहता है ट्रायंगल लॉ, एक वेक्टर को ड्रॉ कर लो, किसी में से, दोनों में से किसी को भी पहले ड्रॉ कर लो, उसके हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल रख के दूसरे को ड्रॉ कर लो, फिर रूल के अकॉर्डिंग पहले के टेल से दूसरे के हेड को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होगा ना, पहले के टेल से दूसरे के हेड को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होगा वही आर वेक्टर होगा। आर वेक्टर मतलब कौन सा, दो वेक्टर जो हम ए एंड बी को ऐड कर रहे हैं, तो उसको ऐड करके हमारे पास तीसरा वेक्टर आना चाहिए। तो तीसरा वेक्टर ये बन जाएगा, ए एंड बी को ऐड करेंगे तो तीसरा वेक्टर ये आएगा। अब क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड मेजर कर लेंगे, स्केल से बता देंगे कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, फिर ए से कितने एंगल पे ये बन रहा है, लेट से डेल्टा एंगल पे, इसको डेल्टा का साइन कहते हैं ना, डेल्टा एंगल पे अगर बन रहा है तो कंपास से ये मेजर कर लेंगे, बता देंगे इतने एंगल पे, इसलिए इसको कहते हैं ड्राइंग मेथड, ड्रॉ किया हमने इसको, ठीक है? सिंपल सा रूल, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, दो वेक्टर अगर मुझे ऐड करने हैं तो किसी एक वेक्टर को ड्रॉ कर लिया जाए, फिर उसके हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल रख के दूसरे को ड्रॉ कर लिया जाए, पहले के टेल से दूसरे के हेड को मिला दिया जाए, तो ये जो मिलाएंगे वो वेक्टर, दोनों वेक्टर ए एंड बी को ऐड करके जो वेक्टर आना था आर वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, वो वेक्टर ये वाला हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड मेजर कर लेंगे, लेंथ, इसका डायरेक्शन मेजर कर लेंगे। तो किसी वेक्टर को बताने के लिए दो चीज़ें बतानी है, उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों हमने बता दिया। क्लियर है? तो ऐसे रिजल्टेंट वेक्टर हम लोग बता सकते हैं।
अब देखो इसमें आगे अगर हम बात करें कि क्या दो ही वेक्टर को इस तरीके से ऐड किया जा सकता है, उससे ज्यादा वेक्टर को ऐड नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, सेम रूल की तरह ऐड करेंगे। जैसे इसको मैं मिटा दे रहा हूं ना, स्पेस मिल जाएगा। जैसे ये तीन वेक्टर है, एक वेक्टर है ए, ये वेक्टर है बी और ये सपोज वेक्टर है सी। इन तीन वेक्टर को ऐड करना है। अच्छा, हो सकता है बोर्ड पे नहीं दिख पा रहा हो, ये कवर नहीं हो पा रहा हो, ये वेक्टर है सी, इन तीन को ऐड करना है। तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि इन तीन वेक्टर को जब ऐड करेंगे तो हम लोगों को एक वेक्टर मिलना है। इसको क्या नाम देते हैं हम लोग? रिजल्टेंट वेक्टर। ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया ए एंड बी एंड सी का, तीनों का। तो अब क्या रूल के अकॉर्डिंग ड्रॉ किया जाए? तो पहले वेक्टर को ड्रॉ कर लो, सपोज फर्स्ट वेक्टर ए, इसको हम लोग यहां ड्रॉ कर लिए। ए के हेड पे बी का टेल रखें और बी को ड्रॉ कर लिया, ये बी को ड्रॉ कर लिया। फिर इसी तरीके से बी के हेड पे सी का टेल रखिए और सी को ड्रॉ कर लीजिए, तो सी को ड्रॉ कर लिया। अब रूल क्या कहता है? फर्स्ट के टेल से, जो पहला वेक्टर हमने ड्रॉ किया उसके टेल से लास्ट के हेड को मिला दिया जाए, यही आर वेक्टर हो जाएगा। मतलब ये आर वेक्टर क्या आएगा? तीनों वेक्टर को ऐड करके जो वेक्टर आना था वो आ गया, ए प्लस बी प्लस सी ऐड करके ये वेक्टर आ गया। अब इसका लेंथ मेजर कर लेंगे, कंपस से ये एंगल मेजर कर लेंगे और हम लोग इसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन बता देंगे कि मेरा रिजल्टेंट वेक्टर ये हो गया। क्लियर है बच्चों? अब कुछ लोग कहेंगे कि सर ये आपने ऐसे कैसे कह दिया, रूल तो दो वेक्टर के लिए था, ए प्लस बी प्लस सी कैसे हुआ? प्रूफ करो। किसी के स्कूल में अगर ये आ गया, सर ने पूछ लिया स्कूल के सर ने, तो अब कैसे करोगे? ये सुन लो सब लोग अच्छे से। अब सोचो तुम कहना कि सर पहले मैं इसको मिला देता हूं, ये वाला, अब ये मिला दो, इसको भूल जाओ, अभी सी को भूले रखो, ए एंड बी। तो ए के हेड से बी का टेल रखे, बी को ड्रॉ किया है, फिर ए के टेल से बी के हेड को ज्वाइन कर दिया, तो ये वेक्टर क्या होना चाहिए? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये वाला वेक्टर जो है ना ग्रीन मार्कर से ऐसे दिखा रहा हूं मैं, तो ये क्या होना चाहिए? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब इसको भूल जाओ क्योंकि इन दोनों को ऐड कर चुके हो, तुमको ये मिल चुका है ये वाला ग्रीन मार्कर से जो वेक्टर है, ये क्या है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब इसके हेड पे सी का टेल रखा हुआ है और सी ऐसे बना हुआ है, तो ए प्लस बी वेक्टर का जो टेल है उसको सी के हेड से अगर मिला दें तो वेक्टर क्या होगा? ये वेक्टर, ये वाला प्लस ये वाला, मतलब ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी, ऐसे हो गया। तो ऐसे तीन के लिए, चार के लिए, सबके लिए ऐसे हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से रूल से हम लोग ड्राइंग मेथड से निकाला जा सकता है। क्लियर है? यहां तक तो समझ में आया सबको? अब देखो इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज अब डिस्कशन करने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से सुनना है सभी लोगों को। पॉलीगन लॉ बताने जा रहा हूं आपको, बहुत ध्यान से इसको सुनना है, ठीक है? अब देखो जैसे एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी, तीसरा वेक्टर है सी, चौथा वेक्टर है डी, पांचवा वेक्टर है ई, इस टाइप से कुछ है, और आप लोग को बोला गया कि आप इन पांचों वेक्टर को ऐड करो ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग। हम लोग जो उसका रूल है ट्रायंगल लॉ, तो दो के लिए हो गया, इससे ज्यादा के लिए भी उसी रूल को हम लोग फॉलो करके कर सकते हैं। तो क्या करोगे आप? आप कहोगे कि पहले वेक्टर को ड्रॉ कर लिया, ए को पहला मान लिया, किसी को भी पहले मान सकते हैं, किसी को भी दूसरा मान सकते हैं। दूसरा मैंने बी को उठाया, उसका टेल रख के बी को ड्रॉ कर लिया, तो ये बी ड्रॉ हो गया। फिर बी के हेड पे सी का टेल रखा, सी को ड्रॉ कर लिया, फिर सी के हेड पे डी का टेल रखा, डी को ड्रॉ कर लिया, और फिर डी के हेड पे ई का टेल रखा, और जब ई को ड्रॉ किया सपोज करो वो ए पे ही क्लोज हो गया, ए के टेल पे क्लोज हो गया ए। अब हम लोगों को इसका रिजल्टेंट निकालना था, हमें निकालना था ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई, ये जो आर वेक्टर होगा ये बताना था किसका मैग्नीट्यूड कितना है, कितना डायरेक्शन है। हम लोग को क्या करना था? इस रूल के अकॉर्डिंग सबको ड्रॉ करना था और पहले वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड को मिला देना था। लेकिन यहां पे हुआ क्या? लास्ट वेक्टर का हेड पहले के टेल पे ही मिल गया, क्लोज हो गया। अगर ए का, देखो मैं फिर से,
एक चीज बताऊं, अगर सपोज ई वेक्टर मेरा इधर होता तो मैं क्या करता, तीनों को मुझे पांचों को ऐड करना है, तो पहले के टेल से मैं लास्ट के हेड को मिला था, मेरा ये आर वेक्टर हो जाता, जो अभी हम लोग पहले मेथड डिस्कस कर रहे थे। लेकिन इस सिचुएशन में जो क्वेश्चन दिया गया है, आपने जब कुछ इस तरीके से ई का डायरेक्शन दिया हुआ है, सारे वेक्टर ए बी सी ऐसे दिए गए हैं कि जब आपने लास्ट वेक्टर को ड्रॉ किया ई को, वो ए के ही टेल पे क्लोज हो गया। इसका मतलब हम लोग को जो आर ड्रॉ करना था, पहले के टेल से लास्ट के हेड को मिलाना था, तो पहले का टेल और लास्ट का हेड तो एक ही जगह पे आ गया, तो मिलाने का तो जगह ही नहीं बचा। तो हम लोग कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर क्या होना चाहिए, जीरो। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होना चाहिए, जीरो। मतलब इसको नाम देते हैं तो नल वेक्टर बोलते हैं, कहने को वेक्टर है बट मैग्नीट्यूड है ही नहीं, नल वेक्टर है। ठीक है, नल वेक्टर। तो अगर जो वेक्टर्स हमें ऐड करने हैं उनको ट्रायंगल लॉ के रूल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग ड्रॉ करें, एंड इफ दे फॉर्म अ क्लोज पॉलीगन, इफ दे फॉर्म अ क्लोज पॉलीगन, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, नल वेक्टर हो जाएगा। इसको पॉलीगन लॉ बोल देते हैं ना, वेक्टर का पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। तो अगर हम किसी वेक्टर्स जो दिए गए हैं हमें ऐड करना है, उसको ट्रायंगल लॉ के रूल के अकॉर्डिंग अगर हम ड्रॉ करते चले जाएं, और इफ दे फॉर्म अ क्लोज पॉलीगन, चाहे ट्रायंगल हो, चार वेक्टर हो तो क्वाड्रिलैटरल हो, पांच हो तो ऐसे पेंटागन ऐसे कुछ बन जाए, सिक्स हो हेक्सागन बन जाए, क्लोज पॉलीगन बन गया, तो उस केस में उन सभी वेक्टर्स का जो ऐड करेंगे रिजल्टेंट आएगा वो जीरो आ जाएगा, नल वेक्टर आ जाएगा। तो इस बात को समझते रहना बच्चों। तो पॉलीगन लॉ हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन और करते हैं। तो यहां तक सारे बच्चों को क्लियर समझ में आया है, ठीक है। तो अब जो है कुछ चीजें और बात की जाए। जैसे अगर तुमसे ये कहा जाए बच्चों कि वेक्टर ए है इधर और वेक्टर बी भी इधर ही है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है 3 units एंड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है 4 units, इनको ऐड करो दोनों सेम डायरेक्शन में ड्राइंग मेथड से, तो आप क्या करोगे, आप ए को ड्रॉ किए, ए के हेड पे बी का टेल रख के बी को ड्रॉ किए, और रूल के अकॉर्डिंग पहले के टेल से लास्ट के हेड को मिला दिया, तो ये इधर ये वाला वेक्टर बन गया, यही आर हो गया रूल के अकॉर्डिंग, ए प्लस बी वाला वेक्टर तो यही हो गया। अब इस आर का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है इस केस में, आर का मैग्नीट्यूड ये दिस लेंथ विच इज 3 एंड दिस लेंथ विच इज 4, तो 3 + 4 ये 7 units आ जाएगा। तो अगर ए एंड बी सेम डायरेक्शन में है तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा डायरेक्टली हम दोनों के मैग्नीट्यूड को क्या कर दे रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं, सम कर दे रहे हैं। अब सपोज करो दो वेक्टर ऐसे कुछ हो, ये केस हमने लिया, अब सपोज ए वेक्टर इधर है 3 units और बी वेक्टर इधर कहीं है 4 units, अब इन दोनों को ऐड करना है तो क्या किया जाए, रूल के अकॉर्डिंग पहले को ड्रॉ किया और पहले ए को ड्रॉ किया और ए के हेड पे बी का टेल रखा और बी को ड्रॉ कर लिया, तो बी बड़ा है, ये 3 है ये 4 है, तो बी इधर ड्रॉ अपोजिट में था तो ड्रॉ कर लिया, ए के हेड पे बी का टेल रखा। अब देखो मैंने पैरेलल में ऊपर दिखाया, एक्चुअली यही पे ड्रॉ करना था बट यहाँ पे करते तो फिर बताना है, एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता, तो इधर ड्रॉ कर लिया। अब रूल के अकॉर्डिंग क्या कहता है, पहले के टेल से लास्ट के हेड को मिला दिया जाए, तो पहले के टेल से लास्ट के हेड को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आर वेक्टर, इसी को रिजल्टेंट, एज पर रूल दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर मतलब वेक्टर ए एंड वेक्टर बी को ऐड करके जो वेक्टर आना है वो ये आ रहा है एज पर रूल, पहले के टेल से लास्ट के हेड को ज्वाइन करने वाला इतने दूर वाला वेक्टर हो गया। इस केस में अगर मैं कहूँ आर का मैग्नीट्यूड कितना बच्चों, तो आप कहोगे कि ये तो 4 था और ये लेंथ 3 था, तो ये जो बच जाएगा 4 - 3 ये 1 बच जाएगा। मतलब आपने क्या किया, मॉड ऑफ बी माइनस मॉड ऑफ ए कर दिया, ये 1 आ गया। यहाँ पे क्या क्या था, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी कर दिया था, ये आ गया था 7। तो यहाँ पे भी ये रिजल्टेंट था, यहाँ पे भी रिजल्टेंट है। तो देखो यही वेक्टर एडिशन की खासियत है कि वेक्टर एडिशन में जैसे स्केलर क्या करते हैं, 5 kg और 3 kg कितना हो गया 8 kg, टाइम है
10 सेकेंड और अनदर 20 सेकेंड, टोटल मिलकर 30 सेकेंड। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, दो वेक्टर के एडिशन से जो थर्ड वेक्टर आ रहा है वो दोनों के वेक्टर के बीच के एंगल पे भी डिपेंड कर रहा है। ये दोनों वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तो देखो रिजल्टेंट क्या हुआ, ऐड हो गया। सिंपली मतलब रिजल्टेंट में दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐड हो गया। अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट मतलब दोनों वेक्टर को ऐड करके जो थर्ड वेक्टर आएगा उसका जो मैग्नीट्यूड निकलेगा वो दोनों के सब्ट्रैक्शन से आएगा, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है उसके सब्ट्रैक्शन से आएगा, और नेट जो रिजल्टेंट आएगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, बड़े वाले वेक्टर की तरफ, जैसे बी की तरफ है। क्लियर है? इसी तरह कोई दूसरा एंगल लो, ये तो हो गया सेम डायरेक्शन, ये हो गया अपोजिट डायरेक्शन। अब कुछ ऐसा हो ए इधर है और बी इधर है ना, तो इस केस में अगर कहेंगे तो पहले के टेल से लास्ट के हेड को मिला देंगे तो ये आर वेक्टर बनेगा, मतलब ए और बी को ऐड करके जो थर्ड वेक्टर आएगा वो। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो लेस देन दोनों के मैग्नीट्यूड के सम से छोटा होगा, क्योंकि ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है किसी भी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब जो इसकी वैल्यू है वो ए एंड प्लस बी दोनों के जो इंडिविजुअल ये वैल्यूज के सम से छोटा होना चाहिए। क्लियर है ये चीज? तो इसका मतलब इन डिस्कशन से हमने क्या निकाला, इन डिस्कशन से हमको ये पता चल रहा है कि जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट है जो आएगा वो रिजल्टेंट छोटा होगा या बराबर होगा दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के सम से, मतलब मैक्सिमम ये हो सकता है जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो, और ये इससे छोटा होगा। बड़ा कितने से होगा, वेक्टर बी सब्ट्रैक्शन वेक्टर ए। अच्छा देखो ये साइन ना सब्ट्रैक्शन का है, मतलब जो जो भी बड़ा है उसमें से छोटे वाले को माइनस कर दो। ए बड़ा है तो ए में से बी का माइनस हुआ, बी अगर बड़ा है तो बी के मैग्नीट्यूड में से ए का मैग्नीट्यूड माइनस हुआ। तो ये मिनिमम वैल्यू है, तो उससे बड़ा होगा या इक्वल होगा, और ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये आर मैक्स है, ये आर मिनिमम है, और या तो उसके बीच में होगा। तो अब मैं समराइज कर दूं, कब मैक्सिमम होगा, जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा, सिंपल बस दोनों का मैग्नीट्यूड का सम। कब मिनिमम होगा, जब दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो है मिनिमम आएगा, मतलब दोनों वेक्टर को हम ऐड कर रहे हैं एज पर रूल रिजल्टेंट, बट एंगल पे डिपेंडेंट है, तो अगर अपोजिट है एंगल 180 डिग्री है तो रिजल्टेंट मिनिमम आएगा, दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको सब्ट्रैक्शन करके आएगा। बाकी अगर कोई एंगल होगा ए एंड बी का 0 डिग्री एंड 180 डिग्री के बीच में, जैसे ये वाला केस, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो ए प्लस बी से छोटा होगा और ए माइनस बी या बी माइनस ए से बड़ा होगा। तो इसका मतलब रिजल्टेंट किसी भी केस में ये रेंज होना चाहिए, ठीक है? तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये हमने अभी जो डिस्कशन किया है ये ट्रायंगल लॉ हमने डिस्कस किया है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर बच्चों? अब इस पर अगर कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करें तो देखो बड़ी अच्छी चीजें कुछ क्वेश्चन है जिसे एक आइडिया लगेगा, उसको डिस्कस किया जाए। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, इसका मैग्नीट्यूड जो है ए का मैग्नीट्यूड है 2 यूनिट्स एंड बी का जो मैग्नीट्यूड है वो है 4 यूनिट्स। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है ए प्लस बी, वो उसकी वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, ए एंड बी के बीच का एंगल आप बदल सकते हो, तो आर की क्या वैल्यू पॉसिबल है, तो आप क्या कहोगे कि आर का जो मैग्नीट्यूड है मिनिमम कितना हो सकता है जब बी एंड ए अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो मिनिमम कितना हो सकता है 4 माइनस 2। कब होगा 2 होगा, कब, जब ये बी एंड ए क्या हो अपोजिट डायरेक्शन में, तो 2 आ जाएगा उसके बराबर। और मैक्सिमम कितना हो सकता है 2 प्लस 4 6, ये कब होगा जब दोनों ए एंड बी सेम डायरेक्शन में हो। बाकी किसी एंगल के लिए 6 एंड 2 के बीच में होगा, मतलब आर की वैल्यू जो है 2 एंड 6 के बीच में होगी, ठीक है ना? ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया तो आप बता दोगे। अगर ऐसा आ गया कि किस केस में इन विच ऑफ द बिलो केसेस रिजल्टेंट कैन नॉट बी जीरो, ठीक है?
अब ऑप्शन ए 10, 10, 10, तो रिजल्टेंट ऑफ थ्री वेक्टर्स यहां पे मेंशन, ऑब्वियसली ऑप्शन से देख रहे हैं कि तो थ्री वेक्टर्स की बात कर रहा है. इन विच ऑफ द बिलो केसेस रिजल्टेंट ऑफ थ्री वेक्टर्स कैन नॉट बी जीरो, तो ये मैग्नीट्यूड 10, 10, 10, तीन वेक्टर ऐसे हों. दूसरा ऑप्शन है 10, 20 एंड 20. तीसरा ऑप्शन है 10, 10, 20. चौथा ऑप्शन है 10, 20 एंड 40. किस केस में रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा? अब इस केस को अगर देखो तो 10, 10, 10, क्या तीन वेक्टर ऐसे बनाए जा सकते हैं जो ट्रायंगल का फॉर्म ले लें? अलग डायरेक्शन आप पे है, क्या कोई सभी डायरेक्शन हो सकता है, बस पॉसिबल केसेस की बात हो रही है. तो यस, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में सेट हो सकता है. तो पॉलीगन रूल के अकॉर्डिंग अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऐसे वेक्टर का डायरेक्शन हमने रखा और वो उन्होंने पॉलीगन बना लिया, ट्रायंगल बना लिया, तो रिजल्टेंट जीरो पॉसिबल है. तो ये मेरा आंसर नहीं है, हमें तो वो चूज करना है जिसमें रिजल्टेंट जीरो पॉसिबल नहीं है. अब आते हैं, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा तो हो जाएगा. अब आते हैं ये वाला केस जिसमें तीन वेक्टर हैं, इनका मैग्नीट्यूड 10, 20 एंड 20 रखना है. तो इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में देखो, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है किसी भी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए. तो यहाँ पे 10 एंड 20 को ऐड करो तो 30 आएगा, 20 से बड़ा है. 20, 20, 40 आएगा, वो 10 से बड़ा निकलेगा. ये 20 और ये पहला साइड 10, इसको ऐड करो 30, ये दूसरे से बड़ा होगा. तो इस वाले में तीनों को यूज करके हम एक ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ये उसको 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 जो है ओबे कर रहा है उस रूल को कि किसी भी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए. तो इसका मतलब स्टिल हम लोग के पास कुछ एक ऐसा वेक्टर बन सकता है जिसमें 10, 20, 20 हम लोग यूज़ कर रहे हों, 10, 20, 20 और क्लोज पॉलिग ट्रायंगल बन जा रहा हो. तो इसका भी रिजल्टेंट, इसका मतलब जीरो पॉसिबल है, क्योंकि अगर क्लोज पॉलीगन बना दिया हमने तो रिजल्टेंट जीरो. अब ये वाला केस आते हैं 10, 10, 20, क्या इसको यूज करके तीनों को एक ट्रायंगल फॉर्म किया जा सकता है? नो. कैसे नहीं? क्योंकि 10, 10, 20 आएगा, ऐड करो तो ये तीसरे साइड 20 के बराबर, उससे बड़ा नहीं है. जबकि ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए ये होना चाहिए किसी भी दो साइड का सम तीसरे से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए. तो इसमें बड़ा तो है नहीं. चलो, ये 20 और 10 तो 30 से बड़ा निकल रहा है, बट उसमें किसी भी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए. तो अगर मैं पहले और दूसरे साइड का सम करूं तो तीसरे से बड़ा नहीं, उसके बराबर है, तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर सकते हम लोग, तो पॉलीगन नहीं फॉर्म हो पाएगा. तो क्या पॉलीगन नहीं फॉर्म होने के बावजूद क्या ये रिजल्टेंट जीरो पॉसिबल है? तो देखो, एक केस सपोज पहला वाला 10 इधर है, इसके हेड पे दूसरा का टेल रखा, 10 वाला वो भी ऐसे ड्रॉ कर लिया. अब दूसरे के हेड से तीसरे का टेल रखो और सपोज 20 वाला अपोजिट डायरेक्शन में हो, है ना, 10 इधर है, 10 इधर, दूसरा 10 भी इधर और 20 वाला कहीं इधर. अब इसको ड्राइंग मेथड से ऐड करो तो क्या करोगे आप? पहले को ड्रॉ करोगे, इसके हेड पे दूसरे का टेल रख के दूसरे को ड्रॉ करोगे 10 और 10 वालों को, फिर दूसरे के हेड पे तीसरे का टेल रख के तीसरे को ड्रॉ करोगे तो तीसरा 20 अपोजिट डायरेक्शन में है, ये इधर इतने दूर आ जाएगा. अब रूल के अकॉर्डिंग पहले के टेल से दूसरे के हेड को मिलाओगे तो पहले का टेल और दूसरे का हेड तो एक ही लाइन में है, तो इसका मतलब इनका रिजल्टेंट मिलाने वाला जगह ही नहीं है, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? अगेन जीरो आ जाएगा. तो इसमें भी जीरो पॉसिबल है, तो ये भी जीरो पॉसिबल है, ये भी जीरो पॉसिबल है, ये भी जीरो पॉसिबल है, तो रिजल्टेंट तीनों में जीरो बन सकता है. ये तो ट्रायंगल बना लेगा, ये भी ट्रायंगल बना लेगा, ये ट्रायंगल नहीं बनाएगा, बट दो वेक्टर सेम डायरेक्शन हो गए और तीसरा उसके अपोजिट हो गया. इस ढंग से हो गया कि इनका मैग्नीट्यूड नेट क्या हो जा रहा है? जीरो. तो ये भी रिजल्टेंट जीरो हो गया. अब इसकी बात करें 10, 20 एंड 40, तो 10, 20, 30, 40 से छोटा है, इसका मतलब ये ट्रायंगल ये फॉर्म नहीं कर पाएगा. अब ट्रायंगल तीन साइड है, तीन वेक्टर्स हैं, तो ट्रायंगल तो नहीं बन पा रहा. अगर ट्रायंगल में बन जाता तब तो क्लोज पॉलीगन पॉलीगन रूल के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट जीरो था, नहीं बन पा रहा है. तो अब दूसरा ये वाला जो है केस वो डिस्कस करें, क्या ऐसा केस हो रहा है? तो देखें, तो भाई 10 सपोज इधर है, 20 भी इधर ही है और सपोज 40 इधर हो भी जाए तो 40 तो बड़ा निकल गया अपोजिट डायरेक्शन में, तो भी नहीं रिजल्टेंट जीरो हो पा रहा है. तो हम लोगों ये वाला केस जो है, जो डी
डी वाला केस है, इसमें रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। और हमें क्या पिक करना था? ऐसा केस जिसमें हम रिजल्टेंट जीरो हो, तीन वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो, चाहे डायरेक्शन कुछ भी आप रख लो अपने हिसाब से। तो किसी भी केस में चाहे कैसा भी डायरेक्शन रखते हुए हम वेक्टर को ड्रॉ करेंगे, वी कैन नॉट फाइंड द रिजल्टेंट जीरो, राइट। तो ये हमारा आंसर है, इसी को हमें पिक करना था। तो ठीक है बच्चों, ये टोटल हमने पूरा सब कुछ डिस्कस कर लिया, ट्रायंगल लॉ के केसेस, ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन कैसे होता है, ड्राइंग मेथड जिसको कहा हमने, और कुछ क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट मेथड है हमारा पैरेललोग्राम लॉ, उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करते हैं।